जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने नोटों सिक्के कहाँ पे सेल कर सकते हो, किस प्रकार सेल कर सकते हो, उन्हें कौन खरीदने वाला है और क्यों खरीदे जाते हैं पुराने सिक्के, उनका इतिहास क्या होता है और क्या सच में सिक्के बिकते हैं और क्या सच में ट्रैक्टर वाला नोट बिकता है, क्या सच में माता वैष्णो देवी वाला सिक्का लाखों के अंदर बिकता है। तो ये डिटेल्स आपको आज मैं सारी दूंगा। पर दोस्तों उससे पहले आपको जानना होगा कि जो सिक्के होते हैं उनके पीछे का इतिहास क्या है, क्यों वो सिक्के लाखों में बिकते हैं, उनको कौन खरीदता है और लास्ट स्टेप में उन सिक्कों का क्या किया जाता है। तो आपको मैं सीधा आंसर देता हूँ कि जो राजा महाराजा थे उनके वंशज है, उनको कलेक्शन करने के लिए काफ़ी सिक्के चाहिए होते हैं। और दोस्तों एग्जीबिशंस आपने नाम सुना होगा, प्रदर्शनी आपने नाम सुनी होगी, तो उनमें उनको सेल किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं जो एग्जीबिशंस में उनको सेल अच्छी कीमत में करके अंत स्टेप में प्रदर्शनी है, म्यूजियम, आपने म्यूजियम नाम सुना होगा, म्यूजियम में उनको दिखाया जाता है, उनको कलेक्शन किया जाता है और उनको वहीं पे सेफ रखा जाता है। अब जब म्यूजियम के अंदर आप जाओगे तो आपसे वहाँ पे टिकट के पैसे लिए जाएंगे, 200, 400 या फिर कितने भी टिकट के पैसे लेंगे। तो इस प्रकार से वह अच्छी अच्छी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, म्यूजियम में आपको दिखाए जाते हैं और म्यूजियम तक ही इनका सफ़र रहता है। और दोस्तों उससे आगे जो महाराजाओं के वंशज है, किसी भी महाराजा के वंशज है, तो वो भी उनको खरीदने में शौकीन रखते हैं, उनको खरीदते हैं। तो इसी प्रकार ये सिक्कों का कलेक्शन किया जाता है। अब सिक्कों की वैल्यू अलग अलग क्यों होती है, और सिक्के जो अब वैल्यू की मैं बता दूं बात, तो जो राजाओं के द्वारा बनाए गए कॉइन हैं उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध राजा है और जिसके द्वारा कम कॉइन बनाए गए हैं तो उनकी कीमत सबसे अधिक रहती है। उसके बाद में हमें बात कर लूँ कि आपके कमेंट आते रहते हैं कि 2000 या फिर ये 2000 से पहले के बने हुए कुछ सिक्के हैं जिनको कोई राजाओं के द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी की याद में बनाया गया है, तो वो सिक्के क्यों महंगे हैं। तो उनके बारे में मैं डिटेल्स दे दूँ तो आपको जानना होगा कि उन सिक्कों की छपाई कितनी हुई है। तो जितने कम छपे सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। जो सिक्के काफ़ी कम देखने को मिलते हैं उनकी वैल्यू सबसे अधिक रहती है, और इसी प्रकार से उनकी वैल्यू भी अलग अलग रहती है। अब वैल्यू में अगर सिक्के सबसे स्पेशल बने होते हैं, सिक्के सबसे कम बने होते हैं, तो वैल्यू लाखों रुपए तक भी उनकी चली जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं वैल्यू में तो इस प्रकार से डिपेंड रहता है, और साथ ही क्या मिसप्रिंट आपके पास अगर नोट पाए जाते हैं, मिसप्रिंट सिक्के आपके पास पाए जाते हैं, तो जितना ज़्यादा मिसप्रिंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है मिसप्रिंट नोट काफ़ी कम होते हैं, और जो डाई एरर मान लो आप या फिर कटिंग एरर या किसी भी प्रकार से मिसप्रिंट होते हैं तो वो काफ़ी कम सिक्के पाए जाते हैं। इसी की बदौलत आपको वैल्यू उनकी लाखों के अंदर देखने को मिलती है। अब दोस्तों एग्जीबिशंस में आप किस प्रकार सिक्के बेच सकते हो, एक कौन खरीदने वाला है आपके सिक्के, तो एग्जीबिशंस के बारे में हम चर्चा कर ले। तो एग्जीबिशंस में आपके सिक्के 100% बिकेंगे, जो सिक्के रेयर होते हैं तो वो सिक्के तो आसानी से वहाँ पे बिक जाएंगे। और जो सिक्के आपने कलेक्शन कर रखा है उनमें से काफ़ी चिल्लर रहते हैं जो बिकने लायक नहीं रहते हैं, तो उसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए कि कौन से सिक्के रेयर है, कौन से सिक्के बिकने वाले, तो वो जानकारी अगर आपके पास होगी तो आप आसानी से सिक्कों को बेच पाओगे। और दोस्तों मैं आपको डिटेल्स दूं सिक्कों के बारे में, अंदरूनी जानकारी दूं, तो सिक्के काफ़ी कम ही ऐसे होते हैं जो बिकने लायक होते हैं। रिपब्लिक इंडिया के बाद के जो जितने भी कॉइन हैं उनमें से 40 से 85 ऐसे सिक्के हैं जो बिकने लायक हैं, और जो माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है, ट्रैक्टर वाला नोट है, वो बिल्कुल डेफिनेटली 100% लाखों की कीमत नहीं रखता है, हज़ारों की भी नहीं रखता है, सैकड़ों की भी नहीं रखता है, उनकी 7 से 8 रुपये उनकी कीमत आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों उनमें से कटिंग एरर वाले सिक्के पाए जाते हैं, या फिर जो ट्रैक्टर वाले नोट में है उनमें कटिंग एरर या फिर मिसप्रिंट या किस प्रकार के कुछ अलग सिक्के पाए जाते हैं जो आम चलन से काफ़ी भिन्न है, तो वो सिक्के आपको फाइनली हजारों रुपए दिला सकते हैं। एक सिक्के की प्राइस 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, उसमें जितना ज़्यादा स्पेशल जैसे कि मिसप्रिंट वगैरह, कोइंस की कुछ छपाई के दौरान डाई एरर ऐसा कुछ पाया जाता है, तो उनकी कीमत आपको हजारों या लाखों के अंदर देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसी प्रकार ट्रैक्टर वाले नोट में होता है, ट्रैक्टर वाले नोट में क्या है कि आपको ट्रैक्टर वाले नोट में मिसप्रिंट या डाई एरर देखने को मिलता है, तो उनकी कीमत आपको हजारों के अंदर देखने को मिलेगी। और दोस्तों हो सकता है आपके पास गड्डी है, उस 786 है, स्टार है, और उसमें मिस प्रिंट पाया जाता है, तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जितना कि आप सोच ही नहीं सकते, जितना कि यूट्यूब पे दावे किए जाते हैं वो कीमत भी आपको मिल सकती है। पर नॉर्मल ट्रैक्टर वाले नोट, नॉर्मल माता वैष्णो देवी वाले सिक्के, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। दोस्तों अगर आप बेचना, जबरदस्ती करके बेचना चाहोगे तो 7 से 8 रुपये आपको
एक नोट या एक सिक्के के मिलने वाले हैं, वो भी काफ़ी मुश्किल से और यूएन सी कंडीशन के अंदर आपके नोट पाए जाते हैं, तब वरना नहीं बिकेंगे आपके, 5 रुपये में ही बिकेंगे, सिर्फ 5 रुपये से 1 रुपया भी आपको अभाव नहीं मिलेगा दोस्तों। एक गड्डी की वैल्यू 700 रुपये होती है ट्रैक्टर वाले नोट की आमतौर पर, तो आप देख सकते हो एक नोट की वैल्यू 7 रुपये है। तो इसी प्रकार उन नोटों का सबसे अलग अलग डिपेंड किया जाता है। अब दोस्तों काफ़ी लोगों की ये भी कमेंट आता है कि सर आम चलन में जितने भी सिक्के हैं उनमें से भी काफ़ी सिक्के लाखों की कीमत रखते हैं, रेयर होते हैं, तो वो क्यों होते हैं दोस्तों? वो तो 200 रुपये में, जैसे कि 200 रुपये का नोट 200 रुपये में दुकान पर चलता है, तो वो क्यों, उसके पीछे तो कोई हिस्ट्री नहीं है, वो लाखों में छपे हैं। तो दोस्तों उनमें से आपको देखना होता है स्टार, 786, मिस प्रिंट, कटिंग एरर, डाई एरर, इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है तो आपको देखने को मिलेगा लाखों रुपए। और दोस्तों वरना आपको कुछ भी उनका नहीं मिलेगा, आपको एक भी रुपया उनका नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जैसे कि एग्जीबिशंस, एग्जीबिशंस में आप जाते हो तो एग्जीबिशंस की जानकारी संपूर्ण लेके जाइएगा कि कौन से सिक्के रेयर हैं। अगर आप रेयर सिक्के वहाँ पे लेके जाते हो तो आपके सिक्के सबसे पहले वहाँ पे बिकेंगे, सेल होंगे, वरना आप ढेरों चिल्लर लेके जाओगे, लाखों की संख्या में चिल्लर लेके जाओगे, हज़ारों की संख्या में चिल्लर लेके जाओगे, थैला भर के लेके जाओगे, तो उनको कोई देखने वाला नहीं है, वो सिर्फ आपके थैले को देख के ही कि इतने सिक्के कौन चेक करेगा, क्या पता इनमें रेयर हो या नहीं, तो ऐसे रिस्क ही नहीं लेते हैं, वो आपको वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं, आपके कॉइंस चेक नहीं होते और इसी प्रकार आपके सिक्के नहीं बिक पाते हैं। अब दोस्तों सिक्कों की रियल जानकारी लेना तो हमसे जुड़े रहना और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, साथ ही कॉल भी आप कर लेना, हम मैं आपसे बात करूँगा, आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद।